Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with the 6th worksheet from your geography book, chapter 1, resources and development. Students, first of all I want to say sorry because this worksheet is published on 18th July and I upload the video today on 20th July. So I'm really very sorry I can't upload the video from this worksheet due to some problems, but now I'm here. Okay, let's get started. Students, India is a vast country with varied landforms. आपको यहाँ पर अलग अलग landforms देखने को मिलेंगे, mountains, plateau, desert, और ये सब जो फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स हमारी अर्थ पर उभरते हैं, ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होती हैं. अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा. स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारी जो अर्थ के क्रस्ट है उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके बिल्कुल नीचे, उसके साथ साथ 7 प्लेट्स हैं हमारी क्रस्ट के नीचे जो मूव करती रहती हैं, और उनकी मूव मेंट की वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं. नाउ हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज की, और वो है सॉइल. वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर आवर वेरियस नीड्स, स्पेशली फूड. इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल. And the rich variety of soil increase the vegetation and food production. और इंडिया में मेनली आपको 6 टाइप्स की सॉइल देखने को मिलेंगी. तो सॉइल होता क्या है? एक्चुअली सॉइल एक लूज मटीरियल होता है जो अर्थ की क्रस्ट के अपर मोस्ट लेयर होती है, क्रस्ट की, जो बहुत ही फर्टाइल होती हैं और हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर करते हैं. तो सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर्म कैसे होती है सॉइल? सॉइल फॉर्म होने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस का होना ज़रूरी है. डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम, फ्लोरा फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. रिलीफ एंड पेरेंट रॉक, तो ये सब इसके सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ये डायग्राम आपने 8th क्लास में ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा है. सो नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. हम इंडियन सॉइल को 6 टाइप्स में डिवाइड करती हैं. एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल. नाउ वी डिस्कस दिस वन बाय वन थ्रू द मैप वर्क, सो कैन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. ये मैप आपकी बुक में दे रखा है, आप इसको एक बार देख लीजिए. हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल को मैप के थ्रू ही समझेंगे कि कौन सी सॉइल आपको कहाँ पर मिलेगी, सो दैट आप इसको बिल्कुल इस कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा सकें और आप भूलें ना. सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की. एलुवियल सॉइल जो है आप मैप में देख पा रहे होंगे कि कितने वास्ट एरिया में आपको देखने को मिल रही है. ऑलमोस्ट 45% लैंड पर, इंडिया की लैंड पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी. यहाँ पर है आपकी इंडस रिवर, यहाँ पर है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ पर है आपकी इंडिया की मोस्ट पवित्र नदी यानी गंगा. तो इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन तीनों नदियों के साथ बहा कर लाया जो सिल्ट होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो डिपॉजिट होता है, उससे ये एलुवियल सॉइल बनती है. इसके अंदर वेरियस प्रोपोर्शन में आपको सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब मिलेगा.
ये हैविंग एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास फास्फोरिक एसिड एंड लाइम. हमने 9th क्लास में बांगर एंड खादर पढ़ा था. बांगर वो होता है हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े बहा कर लाती हैं और उनको बिल्कुल जैसे ही वो नीचे उतरती हैं यहीं पर एक बेड बना देती हैं. इसके आगे चलकर वो थोड़े थोड़े से एक लोमी यानी कि दलदली मैदान बनाती हैं. दलदली मैदान में से निकलने के बाद जो बिल्कुल छोटे छोटे सेडिमेंट्स इकट्ठे करती हैं वो यहाँ पर इकट्ठे करती हैं, जो होता है बांगर और इससे आगे होता है खादर. तो ये दोनों ही बहुत फर्टाइल होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो बांगर होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल से बनता है, मीन्स वहाँ की जो लैंड है वो पुरानी हो जाती है, और न्यू एलुवियल सॉइल यानी कि जो खादर होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल से बनता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम टू टाइम जो फ्लड है वो कंटिन्यूसली आती रहती है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर जमा होते रहते हैं. और ये सुगरकेन और पैडी के लिए बहुत ही आइडियल होती है एलुवियल सॉइल. मुझे क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एलुवियल सॉइल का. आप देख पा रहे होंगे ये किस किस एरिया में है. आपने पॉलिटिकल का मैप किया है, नाउ यू आर इन 10th क्लास, तो आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है. तो हेयर यू कैन सी. ओके, नाउ सेकेंड है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जो है वो कलर में ब्लैक होती है, और इसको सेकंड नेम जो होता है वो रिगर होता है. कई बार आपके क्वेश्चन में ब्लैक सॉइल ना पूछ करके एग्जामिनेशन में आपको रिगर सॉइल को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं. तो यू शुड नो अबाउट द रिगर एंड ब्लैक सॉइल, बोथ आर द सेम सॉइल एंड दिस इज़ आइडियल फॉर कॉटन स्पेशली. इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. ये कैल्शियम और मैग्नीशियम में रिच होती है. ये आपको कॉटन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उसके पौधे कैसे होते हैं या एग्रीकल्चर कैसी होती है. तो मैंने ट्राई किया है कि यहाँ मैं पिक्चर के जरिए आपको दिखा सकूं कि कॉटन कैसे उगाई जाती है. आप मैप में देख पा रहे होंगे ये किस किस एरिया में आपको मिलेगी. तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रेड एंड येलो सॉइल. ये कलर में रेडिश होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन. आयरन रेडिश कलर जो होता है वो आयरन की वजह से होता है, और जैसे ही इसको थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, थोड़ी नमी मिलती है, हम इसको इरिगेट करते हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो येलो हो जाता है. इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है. और ये मेनली आपको ऐसे एरियाज में मिलेगी जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होता है. और ये आपको मिलेगी कहाँ पर, आप जो एरिया मैप में देख पा रहे होंगे, दिस एंड दिस इज इन रेड, सॉरी पिंक कलर में आप देख पा रहे होंगे. तो यहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है, आपको एरियाज अच्छे से पता है. Now next one is laterite soil. Laterite soil ऐसी जगह पर आपको मिलेगी जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसके अंदर जो ह्यूमस कंटेंट होता है वह बिल्कुल ना के बराबर होता है, और स्पेशली ज़्यादा इन द सेंस ऐसी नहीं कि बिल्कुल मूसलाधार बारिश होती हो, बारिश ज़्यादा मीन्स जहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही हो. और ये जो सॉइल होती है ये टी और कॉफ़ी के लिए बहुत ही आइडियल होती है. इसके अंदर टी और कॉफ़ी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है. ये आपको मिलेगी इधर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात का एरिया है. हे यू कैन सी इन द मैप, जहाँ जहाँ पर आपको ये रेड कलर दिख रहा है ये उन उन स्टेट्स के छोटे छोटे पोर्शन में मिलती है, कंप्लीट स्टेट के अंदर नहीं मिलती है. ओके, कोई भी ऐसी सॉइल नहीं है जो कम्प्लीटली एक सॉइल पूरे स्टेट के अंदर मिलती हो, क्योंकि हमने अभी फॉर्मेशन देखी है कि फॉर्मेशन अलग अलग टाइप
की फॉर्मेशन की वजह से जो सॉइल है वो बनती है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल को बनने के लिए। तो लैटराइट सॉइल आपने देख ली है। नाउ द एरिड सॉइल जो है रेड और थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन होती है, मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है, यू कैन सी दैट। और इसके अंदर थोड़ा सैंडी टेक्सचर होता है, सैंडी टेक्सचर यानी कि जिसको आप डेजर्ट सॉइल एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। इसका नेचर स्लाइन होता है, स्लाइन मीन्स नमकीन, ओके। और इसके अंदर ह्यूमस बहुत कम होता है और मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये जहाँ पर होती है वहाँ रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर होती है और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो डेजर्ट्स में आपको पता है कैसा टेम्परेचर है। और हाँ, इसके अंदर कल्टीवेशन की जा सकती है, बट उसके लिए हमें प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम चाहिए। यदि हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, लाइक ट्यूबवेल, नहरें, ये सब नहीं है, तो हम इस पर एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। वो केवल इरिगेशन से ही पॉसिबल है। एंड यू कैन सी इन द मैप कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी। डेजर्ट का नाम आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही स्टेट आता है, एंड दैट इज राजस्थान। नाउ द लास्ट वन इज सिक्स्थ वन, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको इनके अदर नेम देखने को मिलते हैं। तो अब आपको स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होता है कि मैम आपने तो सिक्स ही टाइप्स बताई थी, बट देखो यहाँ तो कितने सारे टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स वो सिक्स ही टाइप हैं। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी आपको कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। ये आपको हिली और माउंटेनियस एरिया में मिलेगा। इसका जो टेक्सचर होता है वो माउंटेन के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसा होता है। वो वेरी करता है, जैसा जैसा माउंटेन का इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा लॉमी एंड सिल्टी होता है वैली साइड में। लॉमी होता है थोड़ा सा दलदला सा, यानी कि जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो स्पेशली जो स्नो कवर्ड एरिया होते हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर इसके अंदर ह्यूमस बहुत कम देखने को मिलेगा। और माउंटेन सॉयल ऑब्वियसली जहाँ पर माउंटेन्स हैं वहीं पर मिलेंगे। तो हियर यू कैन सी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इधर सिक्किम और थोड़ा सा एरिया असम का है। तो क्लियर है फॉरेस्ट सॉयल। नाउ सॉइल डिग्रेडेशन क्या होती है। एक्चुअली सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है, लेकिन इसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं और इसका जो ओवर यूज़ है वो इसको डिग्रेड कराता है। इसलिए नेसेसरी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें। अब डिग्रेड का मतलब क्या है, हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि हमारी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए उसकी जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है और उसके अंदर फिर एग्रीकल्चर प्रॉपर हम नहीं कर पाते हैं। और सॉइल डिग्रेडेशन के हमने रीजंस भी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये सब कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी लैंड की क्वालिटी कम हो जाती है और हम उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना सॉइल को। सॉइल कंजर्वेशन इज़ ए सेट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिवेंट ऑफ सॉइल बीइंग इरोडेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस और बिकमिंग केमिकली ऑल्टर्ड बाय ओवर यूज, एसिडिफिकेशन, सलानाइजेशन और अदर केमिकल सॉइल कंटामिनेशन। एक्चुअली जो सॉइल कंजर्वेशन होता है वो एक मैनेजमेंट होती है स्ट्रैटेजीज की, जिससे हम ऑयल का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, जो क्रस्ट का सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको सॉइल कहते हैं, तो वो किसी भी केमिकल की वजह से उसका, वो चाहे ओवर यूज हो, एसिड की वजह से हो, स्लाइनेशन की वजह से हो, उसकी जो क्वालिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहनी चाहिए, जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रखें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन से, इसमें हम ऐसी ही स्ट्रैटेजीज सर्च आउट करते हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ये क्या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना।
अफॉरेस्टेशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और शोइंग सीड्स इन अ बैरन लैंड टू क्रिएट अ फॉरेस्ट। आई होप मैं आपको क्लियर होंगी स्टूडेंट्स, फिर भी मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी बैरन लैंड मतलब जिस पर हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, बंजर पड़ी हुई है, उस ज़मीन के ऊपर ट्रीज प्लांट करते हैं या बीज बोते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉरेस्ट क्रिएट हो सके, ठीक है, उसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन। तो बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाकर हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड, कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं? लैंड हमारी डिग्रेड हो जाती है और हमारी वेजिटेशन को बहुत लॉस होता है, हॉट सॉइल होती है, इरोजन ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ रन ऑफ, इरोजन होता है उस अपर मोस्ट लेयर का कट जाना, कट के हवा के साथ पानी के साथ बह जाना, और ये बहुत ज़्यादा संख्या में होता है क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके एनिमल्स के जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, वो ज़मीन की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हटा देते हैं, उसको लूज़ कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो लैंड है वो, जो सॉइल है वो हवा के साथ या फिर पानी के साथ बह जाती है, रिवर्स लेक्स ड्राई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यदि हम प्रॉपर अरेंजमेंट करें पैश्चर लैंड का, पैश्चर लैंड यानी कि ऐसी लैंड जिस पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम पैश्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्पेशली एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए ही उसे रखा जाए, जिससे जो एनिमल हैं वो एग्रीकल्चर लैंड पर ना जाएं। तो ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट करके हम पैश्चर लैंड का ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ कंटूर प्लॉइंग। ये एक प्लॉइंग का मेथड होता है जो हमारी नेचुरल सेप होती है उस पर एक कंटूर लाइंस या लैंड एरिया बना सकते हैं, जैसे इसको टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं, आप टेरेसेस देख पा रहे होंगे। जैसे जैसे हमारी अर्थ है हमने उसके साथ साथ ही कुछ लेयर्स बना दी हैं, जिसकी वजह से यदि सबसे ऊपर जब बारिश होती है और यहाँ की जो सॉइल होती है अगर वो पानी के साथ बह भी जाती है तो वो इस खेत में आकर रुक जाएगी, कुछ पोर्शन इसमें, तो वो इस खेत के अंदर ही रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा पाएगी। एंड इसके अंदर हम छोटे छोटे टेरेसेस बनाते हैं जिससे जो स्पीड का पानी है, आप इमेजिन करिए यदि पानी ऐसे धीरे धीरे रुक कर फैल कर आ रहा है तो यहाँ तक आते आते पानी की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी, कंपेयर टू यदि इसकी शेप ऐसी होती तो पानी सीधा स्लोप के साथ नीचे आता और सारी अर्थ सॉइल की जो लेयर है उसे अपने साथ बहा कर ले आता। तो उससे जिससे जो अर्थ है वो इरोड ना हो, उसका वो जो इरोज ना हो, उसकी फर्टिलिटी कम ना हो, उसकी वजह से ये कंटूर प्लाइंग की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, हम कितना भी बेटर समझा लें, इसलिए मैंने साथ में एक इमेज लगाई है ताकि आप उसको अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि कंटूर प्लाइंग होती क्या है। नेक्स्ट वन है सेल्टर बेल्ट्स। सेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है कि ऐसी बेल्ट्स या ब्लॉक्स बना देना जिसकी वजह से जो विंड है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पर आप एक डायग्राम, एक इमेज देख सकते हो, इसके जरिए हमने समझाने की कोशिश की है। इधर आपका एरिया है जहाँ पर आपने क्रॉप उगाई हुई है और इधर बहुत तेज स्पीड में जो डोमिनेंट विंड है वो आ रही है, तो हम पहले छोटे छोटे ट्रीज़, फिर थोड़ी मीडियम साइज़ के और उसके बाद बड़े साइज़ के ऐसे एक बेल्ट बना देते हैं ताकि जो विंड आए वो इन पेड़ों से ही उलझ कर रह जाए और हमारे खेत की सॉइल को कोई नुकसान इससे ना हो। तो हमने 3 स्ट्रेटा बैरियर बना दिया है हवा के लिए, और ये आप कभी बनाएंगे जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ये बनाना है। इधर से हवा आ रही है, हमने इस डायरेक्शन में इसको बनाया है, इधर से जो हवा है वो आ रही है और इधर हमने इस डायरेक्शन में इसको बनाया है, ताकि यदि इसी डायरेक्शन में बनाते तो हवा इनको क्रॉस करके इधर आ जाती। तो सेल्टर बेल्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लैंड कंजर्वेशन के लिए।
उसके बाद है कंट्रोल ओवर माइनिंग। ओवर माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसी जो वॉल्स हैं वो बना देनी चाहिए, लॉन्ग वॉल माइनिंग यानी कि बड़ी बड़ी दीवारें, जिससे जो सिल्ट है, जो वेस्ट है, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं वो उड़कर हमारी एग्रीकल्चर लैंड तक ना जाएं और उससे हमारी लैंड को कोई नुकसान ना हो। वहाँ पर वो पर्थ के रूप में जम जाते हैं जिससे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं और वो लैंड कम्प्लीटली धीरे धीरे करके बैरन हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ओवर माइनिंग को कंट्रोल करें और लॉन्ग वॉल माइनिंग जो है उसको प्रमोट करें जिससे हमारी लैंड को हम कंजर्व कर पाएं। नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, हाउ डज कंटूर प्लाइंग हेल्प कंजर्व सॉइल, सॉइल को कंजर्व करने में कंटूर प्लाइंग कैसे हेल्प करती है, अभी मैंने आपको बताया है। लेटराइट सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है और आपके एरिया में कौन सी सॉइल आपको मिलती है उसके फीचर्स बताने हैं और ब्लैक सॉइल के फीचर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन आंसर आई डोंट थिंक कि इतने मुश्किल हैं, यू कैन अटैम्प्ट दीज क्वेश्चंस क्योंकि हमने सभी अभी डिस्कस किए हैं। नाउ दिस इज द वर्कशीट विच वी गेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। एनीवे आई होप स्टूडेंट मैंने जो आज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की है और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। एंड माई वीडियोज डेफिनेटली हेल्प यू इन योर स्टडीज। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक वी डिस्कस इन दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन कमेंट मी, आई डेफिनेटली विल गिव यू द आंसर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्रमोट दैम टू सब्सक्राइब माई चैनल और उसके साथ में एक प्रेस द बेल आइकन, एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। बस इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जो भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसका लिंक आपको पहले से ही मिल जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, सो दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू विल वॉच दैट वीडियो। एंड keep studying, keep safe, stay healthy, stay home, have a nice day.